फ्रेंड्स, आज हम फराल की एक नहीं दो रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने जितना साबूदाना लिया है उतना ही मोरैया लिया है और उतना ही राजगीरा का आटा लिया है। तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है और 250 ग्राम लौकी लिया है। अब एक मिक्सचर जार लेंगे और उसमें साबूदाना और मोरैया वो दोनों को ग्राइंड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करना है और अब इसके अंदर मैं राजगीरा का आटा भी मिला लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने लौकी को पील ऑफ कर लिया है और इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये लौकी ग्रेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल, 2 टीस्पून चीनी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और 2 टीस्पून ऑयल ऐड करूंगी और इसको मिक्स करूंगी। तो लौकी का पानी थोड़ा थोड़ा निकलेगा। अब हमने जो आटा पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आटा हम धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे उसका बाइंडिंग आता जाएगा। तो मैंने 1/4 कप साबूदाना लिया था, 1/4 कप राजगीरा का आटा और 1/4 कप मोरैया लिया था। पानी ऐड करने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे तो पूरा बाइंडिंग आ ही जाएगा। तो अब हम इसके मुठिये बनाएंगे। इसी तरह मैं ये आधे आटे के मुठिये बना के रेडी कर देती हूँ। तो ये सारी मुठिया अब रेडी है। इसके ऊपर मैं सफ़ेद वाले तिल स्प्रिंकल कर देती हूँ और एक तरफ मैंने स्टीमर भी चालू कर दिया था। तो अब इसको कुकर का ढक्कन बंद करके उसकी मैंने विसल निकाल दिया है और 15 मिनट के लिए उसको स्टीम करेंगे। और दूसरा जो हमारा आटा बचा था उसके मैं यहाँ चिल्ला बनाऊंगी। तो वो जो हमारा आटा था तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और ये जो आटा है वो ऐसे स्प्रेड करना है। फ्रेंड्स, साबूदाना इसके अंदर हमने ऐड किया है इसीलिए ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मेरा उत्तपम बनाने का पैन है तो इसके अंदर मैं ये चिल्ला बना रही हूँ। ऊपर से मैंने थोड़े से सफ़ेद वाले तिल स्प्रिंकल की है और उसको हल्का सा प्रेस कर देना है। जब हो गया है तो मैं इसको पलटा रही हूँ। इसी तरह उलट पुलट करके हमें सारे चिल्ले रेडी कर देने हैं। तो ये हमारा चिल्ला अब रेडी है, इसको मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने इसको मीठे दही के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, ऐसी नई नई रेसिपीज आप ट्राई करते रहिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे ये चिल्ला कैसा बना है। साबूदाना ऐड करने से ये चिल्ला बाहर से थोड़ा सा क्रंची बनता है और अंदर से सॉफ्ट और एकदम इजीली ये टूट भी जाता है। अब यहाँ पे ये मुठिया भी स्टीम होके रेडी हो चुके हैं। मैं इसको चेक कर लेती हूँ तो ये हो गए हैं, तो ये स्टीम हो गए हैं। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आए तो मैं कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये मुठिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। देखिए, तो मैं इसके सब पीसेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हो ये कितने सॉफ्ट बने हैं और ये लंबे टाइम तक सॉफ्ट ही रहते हैं। फ्रेंड्स, अब इसका तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून जीरा और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च
थोड़े से कड़ी पत्ता, रोस्टेड मूंगफली क्रश करी हुई 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल। मैंने यहाँ पे ऑयल बहुत ही कम लिया है, अगर आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हो। अब इसके अंदर मैं मुठिया ऐड करूँगी और इसको हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक होने देना है। तो ये मुठिया भी अब रेडी है। अनार के दानों से मैंने इसको गार्निश किया है। अगर आप हरा धनिया खाते हो तो हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। देखिए ये मुठिया भी इतने सॉफ्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे 2 नई रेसिपी शेयर करी है। अगर आप भी फराल करो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।